फ्रेंड्स, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सभी के मैथ सिलेबस का चैप्टर नंबर 7 है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ईजी चैप्टर है। इस चैप्टर में बस दो ही फॉर्मूलाज हमें डिस्कस करने हैं, दो ही फॉर्मूलाज को समझना है एंड देन सारा जो चैप्टर है, सारे जो क्वेश्चन हैं वो इन्हीं फॉर्मूलाज से सॉल्व होंगे। ओके, सो बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। आज इस वीडियो में पूरे चैप्टर को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, दोनों फॉर्मूलाज को अच्छे से समझेंगे एंड देन क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे इन फॉर्मूलाज को यूज करना है। ठीक है, एंड ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर को लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आपके चैप्टर में दो ही टॉपिक्स हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। एक तीसरा टॉपिक भी था विच वॉज एरियाज ऑफ ट्राइंगल, जो कि रिड्यूस हो चुका है, कट हो चुका है आपके सिलेबस में से, तो आपको ये नहीं पढ़ना है। तो ये वीडियो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू द 2023-24 सेशन। ओके, सो इस वीडियो में पूरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच इट टिल द एंड। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। जब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, डिस्टेंस किसका फाइंड आउट करेंगे, दो पॉइंट्स के बीच का अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तब हम इस डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब कैसे हम इस डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक है पॉइंट पी, एक है पॉइंट क्यू। ठीक है, अब कोई भी पॉइंट होता है तो उसके अपने कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। कोई भी जो पॉइंट है वो ग्राफ पर कहीं पर लोकेटेड होगा, ग्राफ पर हम उसको बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हम ये 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, कि हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट वो होता है कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर कहां पर लाई करता है एंड वाई कोऑर्डिनेट होता है कि ये पॉइंट वाई एक्सिस पर कहां पर लाई करता है ना। तो वो दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हर एक पॉइंट के। तो अगर ये पॉइंट पी है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। तो लेट्स से कि ये जो पॉइंट पी है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है x1, मान लेते हैं इसका x कोऑर्डिनेट जो भी है 1, 2, 3, 4, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो जीरो है, जो भी इसका x कोऑर्डिनेट है उसको हम x1 मान लेते हैं। ठीक है, एंड जो इसका y कोऑर्डिनेट है उसको हम y1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब ऐसे ही ये दूसरा कोई पॉइंट है, पॉइंट q, अब इस पॉइंट q के भी कोऑर्डिनेट्स होंगे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो अब पॉइंट q का जो x कोऑर्डिनेट है उसको हम x2 मान लेते हैं। ठीक है, जो भी इसका x कोऑर्डिनेट है एंड इसका जो y कोऑर्डिनेट है उसको हम y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स अब हमारे हो गए p और q। अब मुझे क्वेश्चन में बोला कि इस p पॉइंट और इस q पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करो, कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है कितना, मतलब ये जो इनके बीच का ये डिस्टेंस है ना, ये कितना है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो अब ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, ये डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करते क्यों है, कहाँ यूज करते हैं डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, दो पॉइंट्स के बीच का। तो ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है, मतलब पी क्यू की ये लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे एंड इससे हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या एक्चुअल में। तो देखो, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, अब देखो P और Q के बीच का हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब हम PQ की जो है लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं एक टाइप से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 x1 क्या है, x1 है p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और x2 क्या है, x2 है आपका q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और x1 है आपका p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। ठीक है, हमने उनको x1 और x2 नाम दिया था, तो दोनों को माइनस कर देंगे एंड होल स्क्वायर कर देंगे। देन ऐड करेंगे y2 माइनस y1, मतलब q पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट था वो y2 हमने नाम दिया था एंड p पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को हमने y1 नाम दिया था। तो y2 माइनस y1 करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे एंड देन इस पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। तो इससे आपको डिस्टेंस मिल जाएगा इन दोनों पॉइंट्स का। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको इनको यूज करना है, असल में इन फॉर्मूलाज का आप कैसे यूज करोगे आंसर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, सिंपल सा ये एक फॉर्मूला है, ये आपको यूज करना है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आपको क्लियर भी हो जाएगा कैसे इसको यूज करना है एक्चुअल में। ओके, सो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन।
तो ये फॉर्मूला आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये क्वेश्चन है, इसके तीन पार्ट्स हैं, तो इन तीन पार्ट्स में से मैं दो पार्ट सॉल्व करूंगी। ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये आपको सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मैं फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करूंगी। एंड ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये आपको सॉल्व करना है, एंड इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं चेक करूंगी कि कितने फ्रेंड्स ने सबसे पहले आंसर किया है एंड सही आंसर किया है। आई विल चेक द कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई टू देम। तो आप सभी का ये होमवर्क क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट को आपको सॉल्व करना है, डिस्टेंस इसका फाइंड आउट करना है फॉर्मूला का यूज करके, एंड टेल द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सी द आंसर्स। ओके, तो फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला से। सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। दो पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस हमें निकालना है। ऐसे ही ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। ऐसे ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस निकालना है। सिंपल, आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। तो पहला फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो पॉइंट है, लेट्स से कि ये पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट का नाम हमें नहीं पता तो नाम हम खुद दे देते हैं। ये पॉइंट ए है एंड ये पॉइंट बी है, ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको एक्स वन नाम देंगे एंड बी के एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स टू नाम देंगे, ठीक है। ए के वाई कोऑर्डिनेट को वाई वन नाम देंगे एंड बी के वाई कोऑर्डिनेट को y2 नाम देंगे, ठीक है। हमने वैल्यूज यहां पर हमें गिवन है x1 y1 y2 एंड x2, ये सारे हमने नाम दे दिए। अब डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला है क्या, देखो हम a और b के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, मतलब हम ab की जो है लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारा था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, लेट्स पुट द वैल्यूज, ओके। तो वैल्यूज में हम पुट कर देंगे, तो x2 माइनस x1। अब यहाँ पर ना डिस्टेंस फॉर्मूला को आप थोड़ा सा अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको x2 में से x1 को माइनस करना है, आप x1 में से भी x2 को माइनस कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप x2 माइनस x1 करो, चाहे x1 माइनस x2 करो, जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो आपने x1 माइनस x2 कर दिया 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 कितना होता है, माइनस 2 होता है, और माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 ही होता है। तो आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो 4 ही आने वाला है। तो मैटर नहीं करता कि आप x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ऐसे ही y2 माइनस y1 कर सकते हो या y1 माइनस y2 कर सकते हो, स्क्वायर करने के बाद आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो देखो, हम x2 माइनस x1 है तो x2 माइनस x1 कर देते हैं, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो यहां पर 2 आ गया, देन 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है, y2 है 1 एंड y1 है 3, तो 1 माइनस 3 कितना होता है, माइनस 2 होता है, और माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4 ही होता है। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, माइनस 2 का होल स्क्वायर करके 4 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर भी 4, यहाँ पर भी 4 आ गया एंड यहाँ पर भी 4, तो 4 प्लस 4, अंडर रूट में हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट में हमारे पास आ गया 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना होता है, 8 होता है, तो हमारे पास अंडर द रूट 8 आ गया। अब अंडर द रूट 8 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर द रूट 8 को हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको फैक्टराइज करोगे ना, ये अंडर द रूट 8 है, तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसका अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट, है ना। तो अब देखो, ये यहाँ पर तीन बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक तो यहाँ पर 2 का एक पेयर बन गया ना, तो एक पेयर जो है वो बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट के, एंड अंदर जो रूट के सिर्फ एक ही 2 बचेगा, तो हमारे पास आ गया 2 रूट 2, तो 8 रूट 2 8 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 रूट 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। ये है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, जितने भी ये यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर मीटर वो हमें नहीं पता, जितने भी यूनिट्स हैं वो हमारा आंसर आ गया 2√2 यूनिट्स, ठीक है। तो ये ए एंड बी पॉइंट का हमने डिस्टेंस निकाल लिया डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके, कितना डिस्टेंस है 2√2 यूनिट्स, सिंपल, ठीक है। फॉर्मूला यूज करो, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, सेकेंड पार्ट आप सॉल्व करोगे, ओके। नाउ लेट्स सॉल्व द थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर देखो, थर्ड पार्ट क्या है, ए कॉमा बी एंड माइनस ए माइनस बी। अब काफ़ी फ्रेंड्स जो हैं ये ए बी को देखकर ही डर जाएंगे कि नंबर्स तो हैं ही नहीं, अब कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करें। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे नंबर हो चाहे वेरिएबल हो, आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, फॉर्मूला की जगह वैल्यू पुट करो, बस उसे सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल है, नंबर है, उससे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, वो सेम ही प्रोसेस जो है फॉलो होने वाला है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, जो भी ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी, एंड ये दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो पॉइंट को नाम दे देते हैं, लेट्स से ये पॉइंट पी है एंड ये पॉइंट क्यू है,
ठीक है, ये इसका x कोऑर्डिनेट है तो इसको x1 बोलेंगे, ये इसको हम x1 बोलेंगे एंड एंड ये इसका y कोऑर्डिनेट है तो इसको y1 बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ये q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है तो ये x2 हो जाएगा एंड ये y2 हो जाएगा, सिंपल। x1, y1, y2, y1 की वैल्यू हमें मिल गई, अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करो, उसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो पी क्यू का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो पी क्यू का डिस्टेंस हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, इट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, सो x2 माइनस में x1, माइनस a माइनस a, ठीक है। यहाँ पर देखो x2 क्या है, x2 हमारा माइनस a है तो माइनस a, ठीक है। देन माइनस x1, x1 क्या है, a है तो यहाँ पर a आ गया। अब माइनस a कितना होता है, माइनस a होता है माइनस 2a, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल बी माइनस 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। देन यहाँ पर हम कर देंगे प्लस प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 क्या है, y2 है माइनस b और y1 है b, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 माइनस b, ठीक है, माइनस b का होल स्क्वायर। माइनस b कितना होता है, माइनस 2b होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर, माइनस टू बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनका हम इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो माइनस टू ए का होल स्क्वायर कितना होगा, देखो पहले टू को माइनस टू का स्क्वायर करेंगे फिर ए का स्क्वायर करेंगे, तो माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर एंड ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा फोर ए स्क्वायर आ गया। देन प्लस, अब माइनस टू बी का होल स्क्वायर कितना होता है, फोर बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हमने सॉल्व कर लिया, ओके। तो ये आ गया हमारा अंडर द रूट में फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर। अब इन दोनों में से हम फोर को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर फोर ए स्क्वायर है, यहाँ पर फोर बी स्क्वायर है, तो फोर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम फोर को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। अब फोर को हम रूट से बाहर ले सकते हैं, लेकिन फोर को जब हम रूट से बाहर लेंगे तो फिर क्या होगा, उसका अंडर रूट हो जाएगा ना, एंड फोर का अंडर रूट कितना होता है, टू होता है। तो फोर को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो वो टू बन जाएगा बिकॉज इसका अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फोर को जब हमने बाहर निकाल लिया अंडर रूट के अंदर से तो ये टू हो जाएगा, एंड यही आपका आंसर है, टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इतने यूनिट्स, ये हमने डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब काफ़ी फ्रेंड्स देखेंगे कि भाई ये अंडर रूट है, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। आपको डरने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने यूज़ किया, उसमें सही से वैल्यू पुट करके आपने सॉल्व किया तो जो भी आंसर आ रहा है दैट विल बी करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर रूट को देखकर या फिर वेरिएबल को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें बस एक परफेक्ट आंसर चाहिए होता है, कि परफेक्ट आंसर आना चाहिए तभी सही होगा, ऐसा आपको सोचना नहीं है। जस्ट आपने सिंपल जो प्रोसेस है उसको सही तरीके से यूज़ करना है, सही फॉर्मूलाज का यूज़ करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, एंड योर आंसर विल बी राइट। इट डजेंट मैटर इफ इट्स अ परफेक्ट वैल्यू और इट्स अ डेसिमल और इट्स अ फ्रैक्शन और इट्स अ अंडर रूट, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस निकाल लिया हमने पी क्यू के बीच का, एंड इट इज़ टू रूट टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स हम क्यों लिखते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता कितने सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, कितने मीटर का डिस्टेंस है, तो जो भी यूनिट है इसलिए हम यहाँ पर सीधा यूनिट्स मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्टेंस निकाल लिया, तो फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, सेकेंड पार्ट आपको सॉल्व करना एंड टेल द आंसर, ओके। तो ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया, यही आपका एक डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस निकालना होगा तो आप इसका यूज़ करोगे। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, विच इज़ द सेक्शन फॉर्मूला। सो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ होता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जो किसी लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब इसका क्या मतलब है, इसको पहले समझते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला हम यूज़ करते क्यों हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट फॉर्मूला, ओके। तो देखो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, which divides the line segment joining the points A and B internally in the ratio m1 is to m2 r, ठीक है। For example, मान लो ये आपका एक पॉइंट है A, ठीक है, इसके coordinates यहाँ पर given है हमें x1 and y1, ठीक है, इसके coordinates हैं x1 और y1। अब यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट है पॉइंट B, इसके coordinates क्या हैं, इसके coordinates हमें यहाँ पर दे रखे हैं x2 और y2, ठीक है, x2 और y2, ये आपके दो पॉइंट्स हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें तो ये क्या बन गई, ये हमारी लाइन सेगमेंट बन गई ए बी, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर है, दो पॉइंट्स हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ज्वाइन किया तो वो लाइन सेगमेंट बन गई ए बी। अब मान लो इस ए बी लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इस लाइन सेगमेंट पर यहाँ पर ये पॉइंट है पी।
अब ये जो पॉइंट P है, ये इस लाइन सेगमेंट को किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, है ना। ये पॉइंट यहाँ पर P है लाइन सेगमेंट पर, ये इस लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है। उस रेशियो को हम मान लेते हैं M1:M2, मतलब जिस रेशियो में ये लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रही है वो है M1 और ये है M2, ठीक है। तब हम इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। अब आपको क्लियर हुआ सेक्शन फॉर्मूला हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? अगर किसी लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। आई होप ये सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सेक्शन फॉर्मूला का पर्पस क्या है, व्हाई डू वी यूज़ इट। एक किसी लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट अगर डिवाइड कर रहा है तो किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा वो पॉइंट, ठीक है। रेशियो हमने M1 M2 मान लिया, तो वो पॉइंट जो है जिस रेशो में ये जो एक लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट इस रेशो में डिवाइड कर रहा है, एंड इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। बेसिकली हम ये जो पी पॉइंट है इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। ये पॉइंट पी ए बी लाइन सेगमेंट को M1 M2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम ये सेक्शन फॉर्मूला का यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब सेक्शन फॉर्मूला है क्या, अब इसको देख लेते हैं। आई होप क्लियर हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। वो जो पी पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को M1 M2 के रेशो में, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, मतलब हम एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं और वाई कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं उस पॉइंट का, ठीक है। तो ये देखो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है, ये सेक्शन फॉर्मूला है एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, एंड ये इतना सेक्शन फॉर्मूला है वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ठीक है। बिकॉज हम कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट होता है वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी, ये एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, वाई कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। अब है क्या फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला आपका ये कंबाइन होकर सेक्शन फॉर्मूला बनता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के लिए। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, M1 × X2। M1 क्या है, रेशो, ठीक है, जो हमारा रेशो है M1 M2, रेशो को हमने M1 M2 का नाम दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो वो जो P पॉइंट था वो लाइन सेगमेंट को 1:4 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो M1 की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड M2 की वैल्यू 4 हो जाएगी जिस रेशो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, M1 M2, ठीक है। तो M1 × X2, X2 क्या था, X2 आपका एक्स कोऑर्डिनेट है बी पॉइंट का, जो बी पॉइंट था ना, दो पॉइंट्स थे ए और बी, उनको ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट ए बी बनी, तो बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो X2 है। तो M1 को X2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में M2 × X1, M2 क्या है, दूसरा वाला रेशो, M2 को मल्टीप्लाई करेंगे X1 से, X1 क्या है, A पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, M1 X2 को मल्टीप्लाई करना है, उसमें ऐड करेंगे M2 X1 को, डिवाइडेड बाय M1 + M2, मतलब दोनों रेशियोज को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। तो इतना सॉल्व करने के बाद आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा उस पॉइंट का जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, तो ये आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया इतना सॉल्व करके। अब ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट क्या कैसे निकालेंगे, M1 × Y2, M1 क्या है, पहला वाला रेशो, उसको Y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब B पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट, देन प्लस M2 × Y1, मतलब दूसरा वाला रेशो, इनटू में Y1, A पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट Y1, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे एंड देन हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे M1 + M2 से, मतलब रेशो को आप ऐड कर दोगे M1 M2 को, ठीक है, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड इसको सॉल्व करने के बाद आपको इस P पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ऐसे आप x और y कोऑर्डिनेट निकालोगे उस पॉइंट का जो डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो में। तो ये आपका पूरा बन गया सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। आई नो अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, क्या M1 क्या X2 कैसे पता चलेगा। देखो सिंपली आप वैल्यूज को असाइन कर लो, ठीक है, जब आप सॉल्व कर रहे हो ना क्वेश्चन को तो लिख लो X1 क्या है, Y1 क्या है, X2 क्या है, Y2 क्या है, M1 कौन सा, M2 क्या है, तो आपको ये सारी वैल्यूज जब पता चल जाएंगी तो बस आपको फिर इस फॉर्मूला में पुट करनी है वैल्यूज एंड जस्ट सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही इजी बन जाएगा, ये दो ही फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं को याद रखना है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अभी एक और फॉर्मूला है छोटा सा वो डिस्कस कर लेते हैं, देन हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हो। मिड पॉइंट का क्या केस होता है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन या फिर एक आप मान सकते हो एक स्पेशल केस यहाँ पर बन जाता है। क्या स्पेशल केस बन रहा है, अगर मान लो हमारे पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, एंड इस लाइन सेगमेंट पर ये पॉइंट पी है जो इस लाइन सेगमेंट को रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसा है कि ये जो पी पॉइंट है ये ए बी का मिड पॉइंट है, अगर वो जो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, अगर वो उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट जब होता है तब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करो। सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर
वो पॉइंट जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर हम पी पॉइंट की बात कर रहे हैं, अगर ये पी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, मतलब एकदम बीच वाला पॉइंट है जो इक्वल इक्वल पार्ट्स में दोनों लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, वो मिड पॉइंट होता है। तो अगर ये मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का एंड तब आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, देन यू कैन यूज सिंपली दिस फॉर्मूला एंड इजिली फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। आपको वो पूरा सेक्शन फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब? जब वो मिड पॉइंट है, ये स्पेशल केस है। अगर वो मिड पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट है उस लाइन सेगमेंट का एंड तब आप उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हो मिड पॉइंट के, देन ओनली यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, अगर वो मिड पॉइंट नहीं है, मतलब रेशियो दोनों का अलग अलग है, बीच में वो नहीं आ रहा है, देन आप सेक्शन फॉर्मूला का यूज करोगे। लेकिन अगर वो मिड पॉइंट है, बीच का पॉइंट है जो कि लाइन सेगमेंट को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? एक्स वन प्लस एक्स टू। एक्स वन क्या है? इज ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स टू क्या है? बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। दोनों को ऐड कर दो, टू से डिवाइड कर दो, आपको इस बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ऐसे ही वाई वन प्लस वाई टू, इसका वाई कोऑर्डिनेट है वाई वन एंड इसका y कोऑर्डिनेट है y2, दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको ये मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सिंपल। तो यहाँ पर कोई m1 m2 का कोई चक्कर नहीं था, यहाँ पर इतना बड़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं हुआ, सिंपल सा फॉर्मूला है, x1 plus x2 divide by 2, y1 plus y2 divide by 2, आपको इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। मिड पॉइंट के लिए ही एप्लीकेबल है, तो अगर मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन आता है देन यू कैन सिंपली यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला हमने देख लिया एंड ये वाला फॉर्मूला भी देख लिया। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। बाकी सारे चैप्टर में, सारे क्वेश्चन में इन्हीं दो फॉर्मूला का यूज होने वाला है, सेक्शन एंड डिस्टेंस फॉर्मूला एंड इन सम क्वेश्चन दिस ऑल्सो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ माइनस वन कॉमा सेवन एंड फोर कॉमा माइनस थ्री इन द रेशियो टू इज टू थ्री। ठीक है, तो हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इन दोनों पॉइंट्स के जॉइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज कंफ्यूजिंग हो सकती है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस पॉइंट की बात हो रही है, किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो पहले ये देख लो, एक ही सिचुएशन होगी सेक्शन फॉर्मूला में, आपको दो पॉइंट्स दिए जाएंगे जिनको जोड़ के लाइन सेगमेंट बनेगी और कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो उनको डिवाइड कर रहा होगा एक रेशियो में। ठीक है, तो यही आपको अंडरस्टैंड करना है, यही दो तीन चीज जो है आपके क्वेश्चन में अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो जो दो पॉइंट्स हैं उनका नाम हमें नहीं बता रखा, उनका हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं। तो एक पॉइंट है ये -1, 7 और दूसरा पॉइंट है 4, -3, इनको जोड़ के लाइन सेगमेंट बनेगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, तो इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करके जो लाइन सेगमेंट बनेगी उस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में। ठीक है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ठीक है, वो जो पॉइंट है जो इन दोनों को जुड़ने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनेगी उसको डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में। ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, सिंपल सी बात है, सेक्शन फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या x1 है, क्या x2 है, क्या m1 है, क्या m2 है, ये हमें पहले पता करना होगा, तभी तो वैल्यूज पुट करेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला में, है ना। सेक्शन फॉर्मूला है क्या, पहले मैं वो लिख देती हूँ, देन हम वैल्यूज पुट करेंगे उसमें। ठीक है, तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं ना पॉइंट के, तो x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, तो सेक्शन फॉर्मूला है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट के लिए है एंड y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये आपके दोनों जो x और y कोऑर्डिनेट हैं उस पॉइंट के निकालने का ये सेक्शन फॉर्मूला पूरा हो गया। अब बस इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू कैसे पुट करें, तो m1 क्या है, m2 क्या है, पहले ये हम सब पता कर लेते हैं। तो जो रेशियो है वो होता है m1 m2, तो पहला रेशियो यहाँ पर 2 है तो ये हो गया m1 एंड ये 3 है तो इसकी वैल्यू है ये m2 है। ठीक है, तो ये रेशियो हो गया हमारा। अब हमारे ये दोनों पॉइंट्स हैं जिनको जोड़ के लाइन सेगमेंट बन रही है। ठीक है, तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, है ना, ये x2 है और ये y2 है, है ना। एंड जिस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं वो एक्स और वाई की वैल्यू होगी, मतलब उसी के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब इसमें सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो m1 into x2, m1 क्या है 2, x2 क्या है 4, तो 2 into 4 कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद 8 आ गया, 8 प्लस m2 into x1, m2 क्या है 3 और x1 क्या है -1, 3 into -1 कितना होता है -3 होता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास -3 आ गया। ठीक है, तो ये हमने -3 यहाँ पर लिख दिया। m1 प्लस m2 दोनों रेशियोज को ऐड कर दो, 2 + 3 कितना होता है 5 होता है, तो ये आपके पास आ गया 5। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, m1 इंटू y2, m1 इंटू y2, 2 इंटू -3 कितना होता है -6 होता है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया -6।
ठीक है, देन प्लस में m2 into y1, मतलब m2 है 3 और y1 है 7, तो 3 into 7 कितना होता है 21 होता है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया 21, एंड m1 plus m2 मतलब 2 plus 3 which is 5, डिनोमिनेटर तो हमारा सेम ही रहेगा, दोनों रेशियोज को ऐड करना होता है। अब जस्ट इसे सॉल्व कर लो, आपको x और y कोऑर्डिनेट मिल गए उस पॉइंट के, सिंपल। नाउ जस्ट सॉल्व इट, तो देखो ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ये अंदर वाला साइन सेम रहेगा, मतलब 8 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। 8 माइनस 3 कितना होता है, 8 माइनस 3 होता है 5, 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है 1 होता है, तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया, x कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट है 1, कॉमा y कोऑर्डिनेट माइनस 6 प्लस 21 कितना होता है 15 होता है, 15 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है 3 होता है, तो y कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया 3। तो ये जो हमारा पॉइंट था इसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए 1, 3, सिंपल। सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, वैल्यू पुट करी, सॉल्व करा, एंड हमारे पास उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 और 3, x और y की वैल्यू, x और y क्या है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, x और y कोऑर्डिनेट, ओके। तो सिंपल था, सेक्शन फॉर्मूला इसमें हमने यूज़ किया, एंड इन्हीं दो फॉर्मूलाज का आपका पूरे चैप्टर में यूज़ होने वाला है, ओके। तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, जितने सारे एग्जांपल्स हैं उनको प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी ईजी चैप्टर, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया उसको ज़रूर सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, थैंक यू सो मच।